हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की ये लेटेस्ट एडिशन की जो मैथ्स की बुक है ना आपके पास एनसीईआरटी की, तो जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये चैप्टर कराऊंगी। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है चैनल पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक्सरसाइज 11.1 का सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, फिर ये एक्सरसाइज पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और चैनल पर अपलोड भी है। तो एक क्वेश्चन वो है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आज उसको और कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है एक वर्टिकल पोल है, सब आप सभी को पता है, कुछ भी चीज़ हो जैसे आपकी भी शेडो होती है, अगर आपने नोटिस किया, तो ऐसी एक वर्टिकल पोल है, उसकी हाइट दे रखी है, उसकी शेडो की लेंथ दे रखी है कितनी। अब आपसे कह रहा है फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे लेंथ ऑफ द शेडो बताओ अगर एक और पोल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई का। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी शेडो की लेंथ उतनी लंबी होगी, तो जब पोल की हाइट बढ़ी है तो शेडो की लेंथ भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना। अब सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल बताओ अगर उसकी शेडो जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है। तो अब शेडो लंबी है तो ऑब्वियस ही बात है पोल की हाइट लंबी होगी, तभी तो शेडो लंबी आई है। तो दोनों ही पार्ट मेरे डायरेक्ट प्रपोर्शन में, पता चल रहा है आपको देख के, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड लगाएंगे ना। अब देखो आप एक चीज़ यहाँ देखो, इसमें ना यूनिट्स जो है वो मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है। मैं ऐसा करती हूँ, सारे जितना भी ये मेरे को फिगर दे रखी है आपको, इन सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, या तो मीटर में या सेंटीमीटर, ताकि क्वेश्चन ईजिली हो जाए। ठीक है, करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात आपको पता है कि आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन हो पाएगा है ना। तो एक कॉलम मैंने ले लिया यहाँ पर हाइट ऑफ पोल, जो मैंने लिया इन सेंटीमीटर, मैं सब चीज़ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। सेम ऐसे दूसरा कॉलम मैंने यहाँ लिया लेंथ ऑफ शेडो, ये भी मैंने लिया इन सेंटीमीटर। दो पार्ट है मेरे पास, दोनों पार्ट की मैं एक ही कॉमन टेबल बना रही हूँ, पार्ट अलग अलग आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, पहले यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं है ना, तो इसका मतलब 5 × 100 + 60 हो जाएगा, तो ये हो गया 560 सेंटीमीटर। सेम ऐसी नेक्स्ट था, उसकी शेडो थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट यहाँ लिख दो। अब इसको चेंज करो, फिर इसकी शेडो लिख देना, ये आ गया 320। उसके बाद मेरे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट था 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट है ये, मेरे पास शेडो निकाली है ना, ये फर्स्ट पार्ट का है। तो 10 × 100 + 50 तो 1050 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द पोल मैंने यहाँ लिख दी, ये फर्स्ट पार्ट का है बॉक्स, ये सेकंड पार्ट का बॉक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में मुझे शेडो दे रखी है और मुझे लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी है पोल की। शेडो है 5 मीटर, ठीक है, इसको मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, जो मुझे निकालना है। अब दोनों पार्ट में इजिली निकाल सकती हूँ, अब आ जाओ अपने फर्स्ट पार्ट पे। तो 560 / 320 = 1050 / y, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट में आपको पता है, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, तो 56y = 32 × 1050, y कितना आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय 56, कट कर लो, ये 2 की टेबल पे 16 पे आता है, ये 2 की टेबल पे 2 2 जा 4 2 8 जा, 4 की टेबल में आता है ये 4 4 जा, ये होता है 4 7 जा। अब 1050 आप देख लो कि अगर आपका ये 7 से पूरा पूरा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो
ये 7 से पूरा पूरा कट हो रहा है 150 पे, 4 इंटू में 150, 600 सेंटीमीटर, इसका मतलब वाई मेरा आ गया 6। क्या निकालना था फर्स्ट पार्ट में मुझे, लेंथ ऑफ द शेडो निकल गई। शेडो इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, तो 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 500, जीरो से जीरो काट दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां मैंने, ठीक है। अगेन इसको टू से काटा, इसको भी टू से काटा, इसको फोर से काटा, इसको भी फोर से काट दिया। 500 को भी फोर से काट सकती हूँ, 125 पे कट हो जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 125 आ रहा है, तो 875 आ रहा है मेरे पास सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या निकली है, हाइट निकली है पोल की। अब अगर इसे मुझे मीटर में चेंज करना होता तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द पोल निकल गई। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 11.2 भी मैंने शुरू करा दी है इनवर्स प्रोपोर्शन की। पहले हमने इसके एग्जांपल्स जो थे ये सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है, कुछ क्वेश्चन इसके चैनल पर अपलोड हो गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।